बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अति सुंदर। भैंस का दूध तो प्योर, मजा आ गया। रावड़ की पूजा करने वाले सुसु देवी और सज्जनों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। मेरा नाम है दीपक भोला और मेरे साथ है मेरा दोस्त पवन भोला, और हम दोनों भोला और हम दोनों भोले चल रहे हैं हौले हौले। और हमारा आज का टारगेट है 25 किलोमीटर पे बुढ़ाना का, शाम तक पहुँचेंगे 6 बजे। 100% इस टाइम तक पहुँच जाने चाहिए। फिर से बारिश आ गई यार, जैसे ही मतलब ये देखो धक्का मार के गाड़ी ले जा रही है। एक और शिविर है, देखो भोले भोले बाबा भोली जी से बात कर रहे हैं कॉल पे, और मैं मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। बाबा जी से बात करेंगे हम, भोले बाबा से, और शिकायत करेगी कि मैं ही क्यों आया। तो मेरे भी अच्छे अच्छे दोस्त, मैं कॉल करके बात कर सकता हूँ, पर फोन की बैटरी बचानी है। इसको भी 2 मिनट का टाइम दिया मैंने कि भाई कर ले, चल ठीक है, तड़प रहा है बहुत, उसके बाद वापस रखेंगे फ़ोन, क्योंकि बारिश भी हो रही है और चार्जिंग का ऑप्शन हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो फ़ोन की बैटरी चलानी है हमें दिल्ली तक। मतलब जब भी मौका मिलता है चार्ज कर लेते हैं, बहुत कम मौका मिलता है, बहुत कम रेस्ट मिलता है ना। हाँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी को ना, शिव जी को और अपने नशे को आपस में कोरिलेट करना बंद करे लोग, तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तुमको नशा करना है करो, लेकिन शिव जी का नाम लेके नहीं, है कि नहीं। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट हमने एक 5 मिनट का छोटा सा रेस्ट ब्रेक लिया था, और ना ब्रेक जो होता है ना, टोटल 5 प्रकार के होते हैं हमारे इस कांवड़ यात्रा में। एक होता है स्लीप ब्रेक, जो रात में या दोपहर में सोने के लिए होता है। एक होता है सुसु ब्रेक, क्योंकि उसके बाद हाथ धो करके शरीर पे पानी छिड़कना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे कहीं पे भी खुले में नहीं कर सकते, सोचना पड़ता है जहाँ पे पानी अवेलेबल हो वहीं पे, क्योंकि हाथ धोए बिना हम कांवड़ को नहीं छू सकते, और सर पे पानी छिड़के बिना भी। तो ये रूल है, और कई सारे रूल्स हैं, वो मैं अगले व्लॉग में या उसके अगले व्लॉग में बनाऊँगा। तीसरा रेस्ट होता है चाय ब्रेक। चाय ब्रेक हो गया, स्लीप ब्रेक, स्लीप ब्रेक के बाद क्या, सुसु ब्रेक के बाद चाय ब्रेक के बाद एक होता है शिविर ब्रेक। शिविर मिलता है ना, तो वहाँ पे हम रुकते हैं, खाते हैं, फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं अगर चार्जिंग का पॉइंट अवेलेबल हो तो। 4 ब्रेक हो गया, पांचवा ब्रेक कौन सा है? लॉन्ग हो गया ना, लॉन्ग सुसु, हाँ शॉर्ट ब्रेक, क्या बात है। अरे हाँ, तो शॉर्ट ब्रेक होता है, उसमें हम रुकते हैं फटाफट, 5 मिनट का ब्रेक लेके चलते हैं। ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के ब्रेक, और कोई प्रकार हमने अगर नोटिस किया तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो कांवड़ को लेके जाने के कई सारे रूल्स होते हैं,
जिसमें से कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पा रहे, तो वो सारे मैं आपको अगले या उसके अगले ब्लॉग में बताऊँगा। और फिलहाल ये किसी काफ़ी सुनसान रोड से जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली काफ़ी सुनसान होता होगा, पर अभी कांवड़ यात्री है सारे तो भरा भरा है। ये कौन सी जगह है? काकड़ा, मुजफ्फरनगर में, स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज, ये कॉलेज है इस जगह का। और बस पवन अचानक से स्लो हो गया है, पर मुझे पता है कि उसको तेज कैसे चलाना है। तेज चल मेरे भाई, भावे का बर्थडे है, ये बड़ी स्पीड ये देखा, इसे कहते हैं ट्रिक। तू किसका नाम लेके भगाएगा मेरे को? और अभी इसी स्कूल में रुके हुए हम, स्कूल नहीं है ये कॉलेज है, दयानंद आर्यवीर इंटर कॉलेज शाहपुर मुजफ्फरनगर में। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, काफ़ी रेस्ट कर लिया हमने, तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो कुछ घंटों का ब्रेक लेके हम दोबारा चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, और हमारी आज की मंजिल है बुढ़ाना। बुढ़ाना नाम से एक गाँव है, वहाँ हमें पहुँचना है। वैसे तो हमने ज़्यादा ही रेस्ट ले लिया, तो लगता है कि आज हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि बुढ़ाना तो हम रात तक पहुँच ही जाएंगे, पर टारगेट बुढ़ाना नहीं है, बुढ़ाना पे पहुँच के हमें शाम तक रेस्ट करना था, और शाम में रेस्ट करने के बाद फिर वहाँ से निकल के 7-8 किलोमीटर की दूरी कवर करनी थी, चाहे वो जहाँ पे भी पहुँचे। लेकिन हमने एक्स्ट्रा रेस्ट किया है, तो शायद सिर्फ बुढ़ाना पहुँच पाएगी आज, और अगर एक्स्ट्रा भी कवर किया तो उतना कवर नहीं कर पाएगी जितना हम नॉर्मली करते। कल हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आज शरीर की हालत ख़राब है तो ये भी नहीं हो पा रही है। ये वेट देख रहे हो कितना वेट है, आसान है क्या? देखो ट्रॉली को बच्चे में लेकर, ट्रॉली को बच्चे में लेके बोला मैं। Oh my God, very hectic happening. We are getting very very tired. We don't have any more energy. Actually we have energy, but our legs doesn't work anymore. Kitar hai tere aage sar jhukata hu, Bhagwan hai kahan hai tu, hai Khuda hai kahan hai tu. दर्द है बहुत जीवन में और पैरों में और दिल में भी। देखा ट्रॉली में बच्चे को लेके पूरी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों अभी हम बुढ़ाना गांव में आए और इस मंदिर के अंदर रुके हैं, इस मंदिर पे शिविर बना हुआ है, और यहाँ पे अभी मैंने चाय पी, लाजवाब चाय। ये पहली जगह है जहाँ पे इतनी अच्छी चाय थी, अब तक जितने भी होटल्स में पिया, टपरी पे पिया, और मंदिरों में और शिविर में पिया, सबसे बढ़िया चाय थी यहाँ पे मैंने रखा है कप, मैंने पी ली, पवन ने तो अभी नहीं पिया है। अभी हम एक कप पवन पिएगा तो उसके साथ एक कप और मैं भी पी लूँगा, पवन बोलेगा नाम लेके 8 चाय हो जाएगी मेरी दिन की आज। और उसके बाद हम नहाएंगे, नहा करके अपने कांवड़ की पूजा करके, कांवड़ उधर कहीं रखा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। क्या बात है, शानदार। अब क्या शर्मा रहा है, वहां से तो बड़ा डांस कर रहा था, अब शर्मा रहा है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अति सुंदर। और वो जो जगह आपको दिख रही है ना, वो जो बाल्टी रखी है वहां पर है नहाने की जगह। शाम के 7:30 बजे और अभी मैं नहाऊंगा। हम कांवड़ की पूजा करने वाले हैं और मैं नहाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि पूरे दिन पसीने में चिपचिपा हो गया शरीर, तो नहाने जा रहा हूँ। मैंने नहा लिया। बम्बोले तो इस मंदिर में खाना पीना हो गया है। और एक दीदी हमारे लिए दूध भी लेके आई थी और बिस्किट भी, तो वो भी दूध बिस्किट भी खा लिया, बिस्किट कम खाया दूध पी लिया। भैंस का दूध था प्योर, मज़ा आ गया। तगड़ी नींद आने वाली है तो सो जाऊँगा और सुबह 3 बजे हम दोबारा वॉक स्टार्ट करेंगे। आवाज़ क्लियर सुनाई दी होगी आई होप।